सीहोर जिले में सिद्ध गोंड रानी कमलावती के गिन्नौरगढ़ किले को लेकर कांग्रेस विधायकों की प्रेस वार्ता की, जिसमें आदिवासी विधायक ओमकार सिंह मरका, हीरालाल अलावा, पांचीलाल मेड़ा और सज्जन सिंह वर्मा मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने सीएम शिवराज पर जमकर निशाना साधा। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में रानी का महल खंडहर हो रहा है। विधानसभा सत्र में महल का मुद्दा रखने के लिए कमलनाथ के निर्देश पर हम लोगों की कमेटी बनाई गई थी, जो कि इस महल की रिपोर्ट तैयार कर विधानसभा में पेश करेगी। हम लोग जब इस महल की तरफ गए तो बड़ी मुश्किल से जाने दिया गया। मौजूदा सरकार आदिवासी वर्ग के सिर्फ वोट बटोरने के लिए राजनीति करती है। इस क्षेत्र से अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज सांसद रही। जब इस किले को देखने जा रहे थे तब अधिकारियों ने मना कर दिया। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का कहना है कि भाजपा सरकार सत्ता के नशे में चूर है। आदिवासी क्षेत्रों से सबसे ज्यादा कांग्रेस विधायक जीत कर आए हैं, इसी कारण बीजेपी घबराई हुई है। किस रूप में लेते हैं आप? देखिए, सत्ता के नशे में चूर है, मदमस्त है पूरी भारतीय जनता पार्टी। संपूर्ण देश की एक गृह मंत्री का आचरण ये दर्शाता है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी से लेके यहाँ के शिवराज तक ये सत्ता के नशे में चूर है। देश का वो चौथा स्तंभ जो प्रहरी है इस देश का, जो इस देश के वास्तविक चित्र को दर्शाता है, दिखाता है, यदि आप उस पर हमला करोगे तो मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र की हत्या की तरफ एक कदम भारतीय जनता पार्टी और बढ़ा रही है। अभी मुझे कुछ पत्रकार भाइयों ने पूछा कि सीएम साहब अभी आए हैं वहाँ से और बड़ी ऊर्जा से भरे हुए हैं, तो ये शिवराज चौहान तो वो हवा का गुब्बारा है कि दो तीन दिन हवा रहेगी फिर हवा निकल जाएगी। अब ये अधिकारियों को निर्देशित दे रहे हैं, कभी आईएएस और आईपीएस व्यक्ति की बात सुनते हैं क्या? अभी मास्टर प्लान की बात करी, मास्टर प्लान इतने साल से लागू क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है कि इनके बीजेपी के जो चक्षु हैं, जो दलाल हैं, वो जगह जगह बड़े बड़े शहरों में घूम रहे हैं, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, कि लाओ तुम्हारी ग्रीन बेल्ट की जमीन हम आवासी कर देंगे, ये जमीन लाओ हम वो कर देंगे, इतना पैसा लगेगा। अभी सौदा पट नहीं रहा है इनका, भारतीय जनता पार्टी के चक्षुओं का और सरकार के बीच में और आम आदमी के बीच में, इसलिए ये इतनी देर मास्टर प्लान लागू होने में हो रही है।